जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमटेक सिस्टम्स, पाकिस्तान का सबसे बड़ा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोवाइडर। आज हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि आज जो हम प्रोडक्ट ला रहे हैं उसका नाम है येलिंग मीटिंग बोर्ड, जो 65 और 86 इंच में अवेलेबल है। ताहिर, आप कुछ फिजिकल फीचर्स बताइए इसके बारे में कि क्या है। अच्छा, इसके फिजिकल फीचर्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे ये इसके ऊपर बिल्ट इन इसके 16 माइक्रोफोन्स हैं, 4K कैमरा है इसके साथ, इसके अंदर 4 स्पीकर्स आते हैं, और ये इसका पैन है जो इसके साथ 4 है, और ये वायरलेस कंटेंट शेयरिंग है जो इसके साथ डिवाइस आती है जो आपके कंटेंट शेयर कर देती है वायरलेसली, और इसके साथ आप ऑप्शनल जो आइटम है वो आप 4K कैमरा अटैच कर सकते हैं इसके साथ एडिशनल और आप इसके अंदर नग मतलब CPU. ये एंड्रॉइड बेस, इसका अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन अगर आप चाहते हैं विंडोज में देयर इज एन ऑप्शन टू विंडो बेस भी कर सकते हैं आप इसको, और एडिशनल 2 माइक्रोफोन्स भी आप इसके साथ लगा सकते हैं जो वायरलेस और वाइड दोनों ऑप्शंस में, और एक टच स्क्रीन भी इसके साथ, टच है इसके साथ कंसोल आता है जिससे आप इसके कैमरे को कंट्रोल भी। अच्छा, जो 60 इसके जो माइक्स बिल्ट इन है ये तकरीबन कितने लोगों के बोर्डरूम्स में लगाए तो कवर कर लेता है, कितने लोगों को ये आराम से? इसकी रेंज क्या है माइक की? जो है इसकी 8-9 मीटर तक रेंज है इसकी। 8-9 मीटर्स का मतलब तकरीबन 12-16 लोगों का बोर्डरूम आराम से ये कवर करेगा। ऑब्वियसली इसके फीचर्स तो बहुत हैं, अगर हम बात करें ये एक टच इंटरैक्टिव स्क्रीन है, अभी ये जूम से कनेक्टेड है। ऑब्वियसली इसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ये पहला दुनिया का बोर्ड है जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स सर्टिफाइड बोर्ड है। अगर आप हवावे, आइडिया हब या इन जैसे लोगों की बात करें, नीट बोर्ड, तो देर नॉट माइक्रोसॉफ्ट टीम सर्टिफाइड। हवावे तो बिल्कुल भी नहीं है, ना होगा, मैं रेकमेंड भी नहीं करता, क्योंकि हम लोग 15 साल का हमारा एक्सपीरियंस है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, हमने इससे अच्छा प्रोडक्ट नहीं देखा। ताहिर, तो आपका क्या ख्याल है? तो अगर आप देखें, इसका बहुत ही स्मूथ टच है चीज़ों पे, और इसके साथ पेन से भी और फिंगर टच भी, मल्टी टच इसके साथ एक अलहदा फीचर है जो आप कर सकते हैं। सॉरी, लेट मी शो यू मल्टी टच फीचर्स। इसके साथ आप मल्टी टच फीचर्स कर सकते हो सकता है, ऑब्वियसली अपने आप शेयर कर सकते हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट टीम से हमें कनेक्ट करना हो तो इसके ताहिर, हाउ डू वी डू दैट? रूम पिन यहाँ से आप जाके इसको सिस्टम सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे रूम पिन डालेंगे और ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स से यहाँ से बाहर आ जाएगा, आपको ऑप्शन देगा कि आप टीम्स पे जाना चाहते हैं या जूम रूम्स पे जाना चाहते हैं। और इसकी लातादाद फीचर्स हैं, अगर अब मैं इसके कैमरे स्पीकर्स की बात कर पाऊँ, इसमें इको कैंसिलेशन बिल्ट इन है, ऑब्वियसली इसमें रूम पिन लगा हुआ है कि कोई इस पर कोई डिफरेंट चीज़ें कर नहीं पाए। ऑब्वियसली दिस इज़ ये जो मीटिंग बोर्ड है, ये एक आपके बोर्ड रूम्स में हो सकता है, टीचिंग फैसिलिटीज़ के अंदर लग सकता है, ट्रेनिंग रूम्स के लिए आइडियल है। और इसकी प्राइस जो है, अगर हम ताहिर बात करें, अगर हम इंटरैक्टिव टच स्क्रीन, वैसे तो ये टच स्क्रीन है, लेकिन अगर हम सादी मतलब अगर हम एक रिवर्स कैलकुलेशन करें, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इक्विपमेंट जिसमें अगर कोई इस टाइप का जो इसका बिल्ट इन कैमरा है फीचर्स के साथ कोई 10-12 लाख रुपए का होगा, टच स्क्रीन 65 इंच की कोई तकरीबन 6 लाख रुपए की होगी, तो 18-19 लाख रुपए तो वैसे ही लग जाते हैं आपके बोर्ड रूम में, जिसमें फिर वायरलेस प्रेजेंटेशन फीचर लेनी पड़ती है और चीज़ें। ये बिल्ट इन है और इसकी बहुत ही अरीब करीब प्राइसिंग है, और ऑल इन वन इक्विपमेंट है, मतलब आपको ना तारों का झंझट है ना कुछ है, सिंपल एक बोर्ड रखना और आपको सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल है। जी अस्सलाम वालेकुम, अभी हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेशन में है जिससे येलिंग कनेक्टेड है हमसे वीडियो कैमरा। दिस इज द एक्चुअल फुटेज वी सी फ्रॉम द रिकॉर्डिंग। हो रहा है कि येलिंग की एक बहुत अच्छी फीचर है कि नॉइस ब्लॉकिंग AI, बेसिकली जो नॉन ह्यूमन वॉइस है इससे वो ब्लॉक कर देगा। अगर मैं ताली बजाऊं या ताहिर आप बजाए, राइट, तो ये रिकॉर्डिंग में आवाज़ नहीं आएगी। इसके साथ साइमल्टेनियसली अगर आप वीडियो भी, एक हम लोग जो दूसरे कैमरे से रिकॉर्डेड है, तो आपको वो बताएगी, जैसे कि आपके पास रिंग कॉल्स आती हैं, उसके सारी चीज़ें अगर आप ये सुन रहे हैं तो, या कोई भी जो कॉल्स हैं तो शायद आपको सुनने में दूसरे कैमरे से तो आ रही होगी आवाज़, लेकिन जो एक्चुअल ये लिंक की रिकॉर्डिंग है उस पर नहीं आ रही होगी। थैंक यू। मेरा नाम ताहिर है और आज हम एमटेक सिस्टम डेमो सेंटर में यालिंग इंटरैक्टिव बोर्ड का डेमो दिखा रहे हैं आपको। जरा फराज आइएगा।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फराज उमर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयान जमाल। जी, अस्सलाम वालेकुम। तो अगर आप ये देख रहे हो और मैं सबके पीछे खड़ा हूँ, तो इसने चार स्क्रीन्स पे आपको स्प्लिट कर दिए। सो अगर आप देखें तो ये लिंक मीटिंग बोर्ड एक एआई डायरेक्टर प्रोड्यूसर इसमें ऑलरेडी बिल्ट इन है, जो कि एक तो डिटेक्ट करता है फेसेस, जितने भी बोर्ड रूम में टेबल्स हैं उन्हें स्प्लिट भी कर देता है। ये ऑप्शनल आइटम है, अगर आप चाहें तो इसे हटा भी दें अगर आप लॉन्ग व्यू लेना चाहते हैं। तो ये है, प्लस आपने देखा होगा कि ये 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू है, तो ये मुझे ट्रैक भी कर रहा है। मैं काफी दूर खड़ा हूँ बोर्ड रूम टेबल से। अगर आप इसकी माइक की रेंज और सबकी देखें, इट्स वेरी प्रोफेशनल। अयान, तुम्हें क्या लगता है कि कैसा लग रहा है, जरा बताओ जरा लोगों को कि किस टाइप का। अयान इज नॉट टेक्निकल, ऑब्वियसली इज अ वीडियोग्राफर। है और काफी कम देखने को मिलती है ऐसी टेक्नोलॉजी। व्हाट अबाउट यू फराज? फराज हैज रिसेंटली जॉइंड अस इधर पे। हम ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट आई हैव सीन एवर। भी 15 साल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। इसकी जो फीचर्स हैं, ताहिर व्हाट डू यू थिंक? फीचर्स आउट क्लास है, मतलब एक बोर्ड ऑब्वियसली रूम ये माइक्रोसॉफ्ट लेवल टीम से भी कनेक्ट पे। करता है, नेटिव इंटीग्रेशन है, टीम सर्टिफाइड बोर्ड जिसमें आपकी एक्टिव डायरेक्टरी भी आ जाती है। ये तो इसके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फीचर्स हैं जो कि हम अभी टेस्ट आउट कर रहे हैं चीजों पे। और उसके अलावा जो है, अगर हम बात करें तो अगर हम इसकी ऑटो फ्रेमिंग और मल्टी फोकसिंग आउट कर दें, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू ये ऑब्वियसली 3 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, और अगर मैं अगर जाके यहाँ पे भी बात कर रहा हूँ तो ये मुझे फोकस करेगा। तो अगर आप देखें इसमें तो कोई मेरे ख्याल से 16-18 लोग तक आ सकते हैं। लाइक व्हाट डू थिंक? नहीं, बिल्कुल आ सकते हैं, इससे ज्यादा भी आ सकते कोई हैं। और चीज जो हमने डिस्कस करनी है उसके बारे में क्वेश्चंस जो आ सकते हैं इसमें? एक 65 इंच और 86 इंच के दो साइजेस आ रहे हैं। इसके साथ एक ऊपर पीटीजी कैमरा एडिशनल लग सकता है, यानी दो कैमरे उसके साथ लग सकते हैं अगर आप समझते हैं बहुत बड़ा हॉल है। उसके साथ आपके पास एक टच टैबलेट टेबल पे भी रखा जा सकता है, वर्क्स एज अ कंट्रोल कैमरा मैनेजर। ताहिर, और कोई बिल्कुल, फीचर जिसपे हमने इसमें डिस्कस? दो माइक भी आप एक्स्ट्रा लगा सकते हैं जो टेबल पे हो, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वायर हो या और बाय द वायरलेस वे, ये हो। रिकॉर्डिंग इसके एक्चुअल माइक इसके एक्चुअल कैमरा से हो रही है, ये जी लिंक जी से। जी तो जी दिस नो कैमरा, अगर आप कैमरा देखें तो हमारा एक साइड पे लगा हुआ है। और इसमें एडिशनल आप नग भी लगा सकते हैं, जो कि एक एडिशनल आइटम। ना क्या होता है? नग जो है आपका विंडो बेस्ड सिस्टम हो जाएगा ये। और ये एंड्रॉइड बेस्ड, इसका अपना ओएस बिल्ट इन है जी, और इसके साथ विंडोज कंपैटिबल है। इसमें यूएसबी मोड भी है। यूएसबी मोड भी है यूएसबी इसमें। मोड यूएसबी क्या होती है? मोड ये जो भी आप अपना इसको पानी लैपटॉप से अटैच कर रहे हैं, किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस से अटैच कर रहे हैं इसको, तो इसका कैमरा और माइक जो है वो आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तौर पे काम करेंगे। तो अगर हम इसका डेमो पाकिस्तान में कहीं भी लेना चाहते हैं तो जस्ट गेट इन टच विद अस। यू कैन विजिट आवर ऑफिस। हम चाहेंगे कि इतनी बड़ा इक्विपमेंट आपके ऑफिस में जाके नहीं लगाएं, लेकिन आप चाहते हैं तो हम लगा देंगे। ये लोग तो बहुत खिलाफ हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि डेमोज लोग चाहते हैं अपनी इन्वायरमेंट पे लें, क्योंकि वो आईटी मैनेजर्स तो देख लेंगे, सीईओ मगर हमारे ऑफिस में ट्रेवल नहीं करेंगे जो कि इसके डिसीजन मेकर होंगे। इट्स आइडियल फॉर योर सीईओस रूम, इट्स आइडियल फॉर स्मॉल एग्जीक्यूटिव बोर्ड रूम्स, ट्रेनिंग रूम्स, क्लास रूम्स, एग्जीक्यूटिव क्लास रूम्स। क्योंकि अब इसकी इकोनॉमिक्स भी देखो ना ताहिर, अगर हम किसी को पहले एक स्क्रीन, अगर हम सिंपल स्क्रीन दें 65 इंच की, तो सैमसंग की स्क्रीन जो होगी हाईएस्ट भी 3.5-4 लाख रुपए की स्क्रीन पड़ेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैमरा भी 10-12 लाख रुपए का पड़ेगा, तो आपके कोई 14-16 लाख। अगर टच स्क्रीन दें तो तकरीबन 8 लाख प्लस 10 लाख, तो 18-19 लाख में तो वैसे ही आपको पैकेज पड़ जाएगा। इसी के करीब, ज्यादा दूर नहीं, हम इसे सेल कर रहे हैं। ऑब्वियसली इम्पोर्ट की यहाँ पाकिस्तान में रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक लीगल तरीके से इम्पोर्ट करके बहुत अच्छे मार्जिन्स पे और कम मार्जिन्स पे प्राइस ऑफर कर रहे हैं। इफ यू नीड एनी, इफ यू हैव एनी इंक्वायरीज, कराची लाहौर इस्लामाबाद फैसलाबाद मुल्तान कहीं भी पाकिस्तान में, तो
तो नीचे आपके पास नंबर्स आ जाएंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी क्यूरी है तो हमारे पास पास कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।